मेरठ तक पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के मामले में भी पूरे देश में बना हुआ है, जो कि अभी कभी देखने को सुनने को नहीं मिलता। तो इस तरीके की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये मोटा मोटी जिसका हम उपयोग अभी कर रहे हैं वो है, इस देश जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो 370 और 35 ए भी उससे अछूता नहीं। लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि 370 के बारे में जैसे बोला, एक वातावरण निर्मित किया गया था कि 370 35 ए पर जो बोलेगा वो सांप्रदायिक व्यक्ति है। और पहले वहां के नेताओं ने भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिया कि आग लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन सरकार की अचीवमेंट है कि 370 और 35 ए को हटाया और वहां परिंदा पर भी नहीं मारा। और जहां से आतंकवाद का नर्सरी था, जहां आतंकवाद पलता था, उसको वहीं पर दफन करने का काम सरकार ने किया। इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। यहां सभी लोग बैठ करके आज स्वतंत्र स्वच्छ वातावरण में हम चिंतन के लिए, डिस्कशन के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन 14 से पहले इस लुटियंस में यदि कोई कार्यक्रम होता था तो घर से फोन आता था कि पता नहीं सीरियल ब्लास्ट कहां हो जाएगा, कनॉट प्लेस में भी बम फट सकता है, करोल बाग में, सरोजनी नगर में। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार है तो दिल्ली तो बहुत दूर है, देश के किसी गांव में भी बम नहीं फटा, और जिसने दुस्साहस किया उसका समापन कर दिया गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आतंकवाद इस देश से समाप्त हो गया। देश की सुरक्षा को ले ले, देश के स्वास्थ्य को ले ले, देश की सीमाओं को ले ले, तो देश सुरक्षित हाथ में है। और घूमने फिरने से, लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है और देखने को मिलता है कि पूरे भारत ने पुनः मन बना लिया है कि 24 के चुनाव में पुनः मोदी जी को विजयी बना करके पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसा देश ने निश्चय कर लिया है। घूमने फिरने से ऐसा पता चलता है। ये समान नागरिक संहिता की चर्चा करने के लिए सभी विद्वत जन यहां पर बैठे हुए हैं, और इस पर चर्चा तो बात का विषय है। एक देश में एक कानून निश्चित रूप से होना चाहिए और ये भारत के संविधान के अनुसार है, लेकिन इस पर चर्चा करने से लोग इसलिए भयभीत रहे क्योंकि मेरा वोट बैंक खराब नहीं हो जाए, देश का नुकसान हो लेकिन मेरे राजनीतिक दल का नुकसान नहीं हो, इसलिए लोग इससे चर्चा से बचते रहे, इससे भागते रहे। लेकिन सबसे पहले यह देश है, उसके बाद पार्टी है, और पार्टी के बाद हमारा स्थान है, यह देश रहेगा तब हम रहेंगे। इस पर सोच करके सरकार ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है, और जो